ये हम मौ, मैक्रो मोलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स एज ए मोलिक्यूल मैक्रो मोलिक्यूल डिस्कस किया उसके बाद फैट्स और इस मॉड्यूल में विल बी डिस्कसिंग द प्रोटीन्स प्रोटीन्स अगेन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इसके अंदर कार्बन है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है लेकिन कार्बो एज में फैट्स के अंदर इज ओनली कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर वेरी फ्यू विच कंटेन नाइट्रोजन वेरी फ्यू लेकिन कोई प्रोटीन ऐसी नहीं है जिसके अंदर नाइट्रोजन ना हो ना प्रोटीन्स दे आर द बेसिक टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स अगर प्रोटीन सेल में से प्रोटीन निकाल दी जाए तो है दैट सेल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एंड इट विल इट विल फेस डेथ। तो एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इंक्लूड अदर एनिमल्स एंड मिल्क और ये ज़्यादातर जो प्रोटीन है ये हम एनिमल से ही हासिल करते हैं क्योंकि हमारी फूड का हिस्सा है मीट विच फिश मीट है या फिर पोल्ट्री है या बीफ है मटन है इस सारी की सारी दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इवन इवन द मशरूम्स दे आल्सो कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स तो प्लांट सोर्सेज इंक्लूड बीन्स पीज नट्स तो ये सारे के सारे दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इसी तरह मिल्क इज़ ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन और ये न्यू बॉर्न बेबीज़ जो हैं is, दे फीड ओनली ओन दिल्क बिकॉज मिल्क इज़ सेट टू बी ए कम्प्लीट डाइट इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं फैट्स भी हैं प्रोटीन्स भी हैं और ये बहुत बैलेंस्ड फॉर्म में मुख्तफ एनिम आ, में चीज़ होती है और आ, दे, आ, दे आर, आर फेड टू द न्यू बॉर्न बेबीज़ और उस वक्त तक हम मिल्क ही उसे प्रोवाइड करते हैं जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाता कि वो दूसरी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स ले सकें तो प्रोटीन्स दे आर नीडेड फॉर अमीनो एसिड्स मकसद क्या है प्रोटीन को हासिल करना ताकि इसमें से ये डाइजेस्ट होकर हमारा प्रोटीन बने और सॉरी अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड दे आर रीअरेंज्ड इन सेव और जिसे हम फिर प्रोटीन सिंथेसिस का नाम देते हैं और बहुत सारी प्रोटीन्स हम खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स इन द फॉर्म पल्सेस और तो ये सारे के सारे प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी सेल्स के पहले तो डाइजेस्ट होंगी अमीनो एसिड्स बनेंगे नाउ दीज अमीनो एसिड्स दे एंटर द सेल मेम्ब्रेन और एन दे साइटोप्लाज्मे आएंगे और साइटोप्लाज्मे ये जो अमीनो एसिड्स हैं दे रीअसेंबल दे आर रीअरेंज्ड टू फॉर्म मैन लाइक प्रोटीन टू फॉर्म अदर एनिमल लाइक प्रोटीन्स तो अगर अगर अमीनो एसिड्स ही नहीं हैं, तो जाहिर है ये बॉडी का स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन ज्यादातर है वो बिल्ड ही नहीं हो सकता तो जितने भी हैं, उन्हें उनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए फैट्स भी चाहिए प्रोटीन्स भी चाहिए और और ये रिच सोर्सेस ऑफ है एनर्जीज हैं नाउ एन ओवरव्यू ऑफ प्रोटीन फंक्शन हम देखते हैं एन ओवरव्यू ऑफ प्रोटीन फंक्शन प्रोटीन्स जो हैं दे आर स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो हैं जो कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे कोलेजन है ये कोलेजन कहाँ पाया जाता है ये हमारे मसल्स के अंदर पाया जाता है ये जॉइंट्स के अंदर पाया जाता है फिर कैराटिन है जैसे हेयर बनते हैं या फिर नेल्स बनते हैं तो दे आर ऑल प्रोटीन इन नेचर और कुछ बहरहाल प्रोटीन्स जो हैं वी कैन नॉट डाइजेस्ट दम कुछ हैं जिन्हें हम डाइजेस्ट कर सकते हैं जैसे जैसे कैरेटिन को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता हमारी बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स ही नहीं हैं कि जिससे कैरेटिन डाइजेस्ट हो सके तो ये और लेकिन इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी दूसरी प्रोटीन्स हैं विच आर डाइजेस्टिबल जैसे स्टोरेज प्रोटीन्स और स्टोरेज ऑफ अमीनो एसिड्स देन एल्ब्यूमन है केसिन है और हमारी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमन बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही प्रोटीन है इट इज़ अगेन प्रोटीन या फिर एग में पाई जाती है एल्ब्यूमन जिसके स्पेलिंग बहरहाल एम ई -E एन होते हैं और ये एम आई एन है विच इज़ द प्रोटीन विच इज़ द नेम ऑफ द प्रोटीन दैन केसिन केसिन कहाँ है दैट इज फाउंड इन बिल्क और ट्रांसपोर्ट ये ट्रांसपोर्ट के तौर पे भी इस्तेमाल करती हैं, होती हैं प्रोटीनस जैसे जैसे हीमोग्लोबिन ये मायोग्लोबिन तो दे कैरी ऑक्सीजन तो हम इनेल करते हैं वो Uh, हमारी जो एयर है दैट कम्स वेरी क्लोज टू द ब्लड इन लंग्स तो देट मेक्स अ ऑक्सीमोग्लोबन और यही ऑक्सीहिमोगलोबन है दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी और वहाँ पे ये फिर ऑक्सीजन uh, प्रोवाइड करती है देन सडन प्रोटीन्स दे एक्टेज हॉर्मोन्स आल्सो जैसे इंसुलिन है तो so, इंसुलिन के बगैर ऑब्वियसली वी कैनोट यूटिलाइज ग्लूकोज और इसलिए डायबिटीज़ जब होती है तो यही है ना कि वो हमारा सेल्स वो दैट फेल उसमें इंसुलिन नहीं होगी तो वो आ, वो सेल को कैरी नहीं करेगी और जिसकी वजह से हमारे सेल्स जो हैं वो शुगर से यूज हमने लथपथ हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग जो है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है और एनर्जी नहीं बनती और इसलिए डायबिटिक्स दे ग्रेजुअली दे स्टार्ट लूजिंग एनर्जी दे स्टार्ट लूजिंग वेट दिस दैट लूजिंग एनर्जी तो ये इंसुलिन ही है विच मेक्स द सेल टू यूज ग्लूकोज देन सडन प्रोटीन्स दे आर कॉन्ट्रैक्ट जैसे जैसे हम देखते हैं एक्टिन है मायोसिन है जो कि मसल्स के अंदर आ, विच फेम जो कि ना सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं बल्कि साथ फंक्शन भी परफॉर्म होता है हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और इसकी रिलैक्सेशन दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस प्रोटीन विद एक्टिन एंड मायोसिन दैन फ्रोटीन्स दे आर डिफेंसिव और इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है वह एंटीबॉडीज़ हैं तो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं ये एक किस्म का यह फौजी निज़ाम है सेल के अंदर कि वो कोई भी फिर जो भी एक्स्ट्रा जो भी आ, कोई ऐसी बॉडी के अंदर ऐसा ज, आ जाती है जर्म्स इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस जो एंटीबॉडीज़ ही हैं जो उसको फिर अटैक करती हैं और हमारी बॉडी को फिर बचाती हैं सेफ रखती हैं तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी जिक्र किया हमने फैट्स का भी और लास्टली प्रोटीन्स का सो दीज आर बिग यू कैन से द फूड पार्ट्स या फूड कॉम्पोनेंट्स जिसके बगैर ऑब्वियसली वन कैन सर्वाइव सो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्रो मोलिक्यूल्स